good morning students in the first part of the chapter gulliver's travels we studied that gulliver who was a sailor once fought in the land of the giants when he reached to that land he was with his crew but after that he was left by his crew and he was alone on that land. So now we will study further. He was trying to hide himself from the giants. And what happened then? Now we will study. It was impossible for me to climb because every step was six feet high. अब वो क्योंकि बाडले और कॉर्न के जो फील्ड थे उधर उसमें छिपने की कोशिश कर रहा था या चढ़ने की कोशिश कर रहा था अपने आप को सेव करने के लिए तो क्या होता है इट वॉज़ इम्पॉसिबल ये मेरे लिए नामुमकिन था फॉर मी टू क्लाइम चढ़ पाना बिकॉज एवरी स्टेप क्योंकि हर स्टेप जो एक थो जो भी सीढ़ी थी वो कैसी थी वो सिक्स फीट हाई थी ये जैंट्स की लेंथ थी और इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ बहुत हीज साइज़ में थी तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था स्टेप पर चढ़ना क्योंकि ये सिक्स फीट हाई थी आई वॉज़ ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन दज वैन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील वॉकिंग टूर्ड्स द फैंस आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था टू फाइंड ढूंढने की अगैप थोड़ा सा डिस्टेंस इन दज उस बारे में वैन आई डिस्कवर्ड तभी मैंने क्या पाया वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स उनमें से एक निवासी इन द नेक्स्ट फील वॉकिंग जो कि दूसरे फील्ड में था वॉकिंग चल रहा था टुवर्ड्स द फेंस वो बाड़े की तरफ आ रहा था बाड़ की तरफ जो फैंस बनी हुई थी उसकी तरफ आ रहा था ही वॉज ऑफ द सेम साइज तो वो जो इनहेबिटेंट था जो वहां का निवासी था वो सेम साइज का था एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट ये उसी साइज का था जो देते पीछा कर रहा था बोट का जिसमें मेरे साथी बैठे हुए थे आई वॉड स्ट्रक विद एटमोस्ट फियर तभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा बहुत ज़्यादा फियर मुझे महसूस हुआ एंड एस्टोनिशमेंट और मुझे हैरानी भी हुई मैं वंडर था वो देखकर और बहुत डर गया था एंड रैन और मैं दौड़ा टू हाइड माई सेल्फ ताकि मैं अपने आप को छुपा लूँ ही कॉल्ड इन अ वॉइस उसने आवाज दी मच लाउडर बहुत तेज तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत तेज थी देना ट्रमपेट जैसे कि कोई चिंगाड़ होती है उससे भी ज्यादा लाउड उसकी आवाज थी इट साउंडेड लाइक थंडर और उसकी जो आवाज थी वो ऐसे ही साउंड किया जैसे कोई बिजली कड़की सैमन मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूअर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न तभी क्या वो वहां सेवन मोन्टर उसी तरीके के सेवन मॉन्स्टर या दानव लाइक like हिम उसकी तरह केम आए टूअर्ड्स द फील्ड खेतों की तरफ रेडी टू रीप जो क्या करना चाह रहे थे वो कट करना चाह रहे थे किसको कॉर्न को जो मक्का उगी हुई थी उस खेत में उन्हें काटने के लिए सात और लोग आ गए दे कैरिट

आइसक्रीम एज लाउड एज आई कुड जब एक रीपर जो कट करने वाले थे वो अप्रोच पहुँचा वेयर आई ले जहाँ मैं लेटा हुआ था हिडन छुपा हुआ आइसक्रीम मैं चिल्लाया एज लाउड एज आई कुड मैं इतनी तेज चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था तो उनमें से एक रीपर ने उस हुक के साथ जैसे ही कॉर्न को कट करने के लिए हुक चलाया तो मैं बहुत तेज चिल्लाया द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग जो क्रिएचर था जो कॉर्न कट कर रहा था वो रुक गया स्टॉप इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टॉप एंड द मीनिंग ऑफ स्टॉप रुक गया रिपिंग मक्का काटने से रुक गया picked me up between his thumb and four finger picked उठा लिया मुझे उसने बीच बीच में हिज थंब अंगूठे के और फोर फिंगर के उसने मुझे अपने फोर फिंगर और अंगूठे के बीच में पकड़ लिया थंब होता अंगूठा और फोर फिंगर जो अंगूठे के पास की उंगली होती है तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज और वो ले आया ब्रॉट इज दर्ड ब्रिंग क्लोज बिल्कुल पास में his eyes अपनी के पास ले आया feet above the ground. वो उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी वो सिक्सटी फीट थी ग्राउंड से यानी के अब मैं ग्राउंड से सिक्सटी फीट हाईट था उसके हैंड में ही लुक्ड एट मी विथ क्योरॉसिटी और वो मुझे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था नेस से देख रहा था तो योर डिस्टी का मीनिंग होता है उत्सुक था एंड ब्ल्यू माय हेयर टू गेट बेटर व्यू ऑफ माय फेस उसने क्या किया ब्लू उसने भूख मारी मेरे हेयर्स पर असाइड ताकि वो बाल एक तरफ हो जाएं और मेरा जो फेस था उसको पूरी तरीके से नजर आ जाए ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स उसने अपने दोस्तों को बुलाया एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड और उसने बहुत धीरे से मुझे प्लेस्ड रख दिया ज़मीन पर उसने अपने साथियों को आवाज दी और मुझे बहुत आराम से ज़मीन पर रख दिया दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी और वो सारे के सारे बैठ गए ज़मीन पर टू टेक अ गुड लुक ताकि वो मुझे ठीक से देख सकें आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और मैंने क्या किया मैं धीरे धीरे चला थोड़ा आगे थोड़ा पीछे फुल ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स मैंने अपना हैट उतारा एंड मेड अ लो बो टूअर्ड्स द फार्मर्स मैंने थोड़ा झुक कर फार्मर्स की तरफ देखा आई ट्राई टू स्पीक दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज मैंने कोशिश की बोलने की उनके साथ लाउडली तेज आवाज में इन सेवरल लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इच टाइम हर बार आई डिड सो जब मैंने ये किया द फार्मर हु पिक्ड मी अपर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन तो वो जो फार्मर था उसने मुझे उठा लिया था और उठाकर अपने ईयर के पास कान के पास ले गया क्लोज बट इन वेन ताकि वो मेरी बात समझ सके लेकिन ये सब व्यर्थ गया इन वेन बेकार गया इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस वो जो फार्मर था वो मुझे अपने घर ले गया एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वाज़ थर्टी फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर और उसने मुझे प्लेस्ड रख दिया थोड़ी दूरी पर ऑन द डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल पर विच वाज़ थर्टी फीट हाई जो कि तीस फीट ऊंची थी फ्लोर से फर्श से तो बच्चों ये जाइन्ट्स की लैंड थी इसी वजह से यहाँ पर हर चीज़ ह्यूज साइज़ में थी थर्टी फीट हाई यानी आप सोच सकते हो कि थर्टी फीट कितना ऊंचा होता है तो वो डाइनिंग टेबल भी थर्टी फीट हाई थी डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज टेन फीट इन डायमीटर अब जो डिनर आया लाया गया फार्मर के लिए उसकी जो डिश थी उसका डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई कितनी थी टेन फीट दस फीट थी उसकी चौड़ाई द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी और जो फार्मर की वाइफ थी उन्होंने क्या किया क्रम्बल्ड उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके कुछ ब्रेड मेरे सामने रख दी इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी और डिनर के बीच में मैंने नॉइस कुछ शोर सुना अपने पीछे और ये कैसी आवाज़ थी इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज टेन टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स और ये परिंग थी यानी कि एक कैट की ग्रंट थी म्यो म्यो कैट की आवाज़ थी और जो के ऑक्स एक बैल से दस गुना ज़्यादा बड़ी थी द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम जो फार्मर की वाइफ थी स्ट्रोकिंग उसे धीरे धीरे सहला रही थी दैन एंटर द फार्मर्स वन ईयर सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी तभी क्या होता है एक लेडी के साथ जो उसके हैंड में एक बेबी ने एंटर किया फार्मर का बेटा था वो और उसकी एज थी वन ईयर

मेरा सर अपने माउथ में ले लिया आई शाउट इट सो लाउडली मैं चीखा बहुत तेज दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी और उस बेबी ने मुझे गिरा दिया ड्रॉप्ड मी गिरा दिया मेरी, मेरी आवाज़ सुनकर वो डर गया उसने मुझे छोड़ दिया आई वुड हैव ब्रोकन माई नैक इफ द मदर हैड नॉट हैल्ड हर एप्रन अंडर मी और मैं अपनी जो नेक थी गर्दन थी वो मेरी गर्दन टूट ही जाती अगर वो जो मदर थी वो मेरे नीचे अंडर मीन नीचे एप्रन, अपना एप्रन नहीं लगा देती तो जैसे मैं गिरा टेबल तक गिरता इससे पहले मेरी नेक टूटती उस लेडी ने अपना एप्रन मेरे नीचे रख दिया लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बैट एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंड का और उसके बाद क्या किया उस लेडी ने उसने मुझे लेटा दिया ले गई वो अपने बेड पर और मुझे वहाँ लेटाने के बाद कवर्ड कर दिया ढक दिया विद अ क्लीन वाइट हैंड कचीफ एक रुमाल के साथ जो बहुत साफ सुथरा था और वाइट कलर का था तो इस तरह उस लेडी ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया आई स्लैप मैं सोया और ड्रीमिंग ऑफ माई हाउस और मुझे कौन से सपने आए मेरे अपने घर के माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन और मैं सो गया और मैंने जो ड्रीम्स देखे अपने घर के अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्राम जोनाथन स्विफ्ट गुलीवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट की गुलीवर्स ट्रैवल से ली गई है स्टोरी और आपने इस स्टोरी में देखा कि जो गुलीवर है वो जाइंट्स के लैंड में पहुंच गया था और वहाँ पर हर तरफ उसको बहुत बड़े बड़े जाइंट नज़र आ रहे थे और फिर भी उन लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और उसको एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड The story of Gulliver's troubles. And I hope you have understood the story well.